अर्ज किया है, मजबूरी होती है साहब, नहीं तो कृष्ण जेल में और राम वनवास में और मारवाड़ी दिशा भर नहीं जाता। मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 19 महीने ट्विंकल वैष्णवी तरफ से आप गणन गणो स्वागत है। राम राम खम्मा गणेशा। तो सुनो सा, देखो सा, पहली बार मोटा होने फीलिंग कद आई ध्यान है, जिद नहीं बाल काटून वास्ते कुर्सी माते पार क्यों नहीं लगायो। मारवाड़ी छोरा ने कमून वास्ते एक ही बात मोटिवेट करे था है, कमाओ कमाओ नहीं तो कोई छोरी कौन देला, कौन कहवे भारतीय मैंने लाज न शर्म कोनी वे। मैं तो आज भी गैस सिलेंडर ने भी तो लिया और चदर लपेटन ले जावा। रघुकुल रीत सदा चली आई, सबको सीधा करे लुगाई। आजकल तो लोगारी कॉन्टेक्ट लिस्ट देख नहीं मन घबरा जावे। मम्मी न्यू, पापा टू, वाइफ ओल्ड, वाइफ टू, सासु जियो। एक खिचड़ी जे गड़ी डिश है जिकी आजकल लोगारे घर में तो कम और दिमाग में ने ज्यादा पके। रमेश यो फोन लगायो हन बोलो ट्विंकल जी थोड़ी मम्मी कहीं खायो। जिको थे इतनी छोकी छोकी कॉमेडी करो छोका छोका गीत गावो, थोड़े महीने ही तो टैलेंट आयो। और मैं पास रमेश ये ने जवाब दियो, लाता गुस्सा थप्पड़ खाया, थनी टैलेंट की जरूरत है तो लाता गुस्सा खाओ आज जी मारी मम्मी कने। सर एक पावना गाँव में मैंने पहली बार आया और बोर हो रहा था तो गाँव में घूमना हारू निकल गया। हम गाँव में एक जना ने जान पूछियो के गाँव में मैंने कोई इंजोरी चीज को नहीं की, तो आज पास जवाब दियो के एक ही जतीन भाई थे लेन गया परा। एक बार पप्पू बोर्ड परीक्षा में टॉप हो तो बच गियो, प्रश्न हो नाइन किसे कहते, तो पप्पू उत्तर दियो नहीं की लुगाई को नाइन कहते। देखो सा मारवाड़ महीने आप लुगाई द्वारा बिंदा ने हेंगू ज्यादा खिलौन वालों व्यंजन है खाओ मारी होगन। अरे हम तो हाथी को हवा में उड़ा दिया करते थे, वो अलग बात है कि चिड़िया उड़ तोता उड़ खेलना छोड़ दिया हमने। तोता उड़ जा। अरे मारा जियो खत्म हो जाए रे तू, पच मैं नेट की कर लाऊं तारे बिना नहीं आवड़े लमन, तू मने छोड़ दे मत ही जा, तने अम्मा नहीं रही होगी ने तारे बिना मारो कहीं होई। तू पाचा आवरो पच मो हंगड़ा फोगड़ में बातों की कर कर रहो हन मान छोड़ यार, पच रिचार्ज कौन कराए, तू तो एक आस है मोरी छोड़ यार, बारे में भी तो हो चो बे छोरा फुगट रे मैंने बापू झंझो ने बातों करता अन मम्मा चेवाने रिचार्ज करने रे कहवत के मोरगन तो की गोनी अन फालतू मोरो खर्चो बढ़ावो। आई मिस यू जियो, पाचा आके मेरे डब्बा फुगट रे इसकी लेन। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो कोई भी बोल लेता है, अब जरा ये बोल के दिखाओ ए गुड कुकुड कुकुड क्या हुआ हो गई ना गुड़ 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 गुड़। इंडिया में इन्हें अच्छा बॉलर नहीं है, इन्हें मुख्य कारण का ये ध्यान है, इंडिया में साला बचपन से ही बैटिंग मिलने के बाद घर भागने की परंपरा है। आजकल ये छोर या डिपिर मैंने एडी सकल बदले कि ठा नहीं पड़े कि छोरी है कि इच्छा दरी नंगी ने। आजकल ये छोरे ने कई चीजें ठा है, बस दो टाइम दी सेल्फी एग्जाम दोनी टाइम ओज होचा कि वाणी यादास घनी कमजोर है, लेकिन प्यार करेड़ो वह जड़े उन्हें भूल भी चाहो नहीं तो अड़ लागे कि दुनिया के काजू बदम महंगा पच खाइयो। चीन में मैंने जदि टबर पैदा वह नहीं वो अपने माँ बाप मत कौन जावे, पूरे चीन माते जावे, इसे कहते हैं देशभक्ति। वो बोली मैं तुझसे दूर जा रही हूँ, दूर बहुत दूर, और हम भी बड़े रहम दिल निकले, सोका नोर दे के बोले रास्ते में कुछ खा लेना। भारतीय नारी एक साथ 10 परिवार टेंशन लेना ले, एक तो खुदरी बाकी सारा टीवी सीरियल री और दो चार आगती पागती। साला दिमाग तो यही सोचने में खर्च हो रहा है कि 500 और 2000 नोट 100 रुपए नीचे रखा के ऊपर रखा। सास कहवे बहू ने के बेटी थने किचन रे में कई आवे, के बहू बोली के चक्कर आवे। इंजीनियरिंग री एक छोरी एक छोरा माते गुस्सो करते हुए कहो, अरे ओ पेन ड्राइव के ढक्कन, पैदाइशी एरर, वायरस के बच्चे, एक्सेल की करप्ट फाइल, ऐसी क्लिक मारूंगी कि जमीन से डिलीट होकर कब्रिस्तान में इंस्टॉल हो जाएगा समझे। जब लड़कियों को प्यार हो जाता है तो उसके घर वाले पूछते हैं कौन है वो गधा, और जब लड़कों को प्यार होता है तो उसके घर वाले पूछते हैं अब गधे बता कौन है वो लड़की। मोरल, प्यार चाहे किसी को भी हो हमेशा गधा तो लड़का ही बनता है। भूगोल पढ़ने वाली एक मैडम बहुत ही पतली दुबली थी, उन्हें पोस्टिंग एक गांव में हुईगी। एक दिन वह क्लास में मैंने बच्चा ने सवाल पूछियो, बच्चों बताओ धरती घूमती हुई क्यों नजर आती है, तो एक छोरो बोलियो मैडम जी कुछ खा लिया करो, बिना खाया स्कूल में आओ तो धरती घूमती नजर आई। भिखारी कहवे कुछ खाने को दे दो बाबा दुआ करेगा। घर एक छोरी निकली और बोली घर में कुछ नहीं है माफ करो, तो भिखारी बोलियो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो बाबा दुआ करेगा और मैसेज भी करेगा। राहुल गांधी को फिर मिली सबसे बड़ी कामयाबी, अखिलेश को डुबाने में कामयाब हुए हैं वो। अखिलेश राहुल ने कहे अगर चुनाव हार गए तो क्या होगा, तो राहुल कहे माना तो आदत है भाई तू थारो देख ले।
तरीका गलत है मोदी जी, बात जीतने की हुई थी, रोंदने की नहीं। मुलायम सिंह सोनिया गांधी ने फोन करे ने कहो खबरदार जी को थार छोरो कभी मार छोरा हाथ दी क्यों। तो मुलायम सिंह सोच रहा है साइकिल ओएलएक्स माते बेचू के क्विकर माते बेचू। राहुल बबारी एक बात तो माननी पड़ेगा, बंदे ने इतनी जगह बीजेपी सरकार बना दी लेकिन कभी घमंड नहीं किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी कांग्रेस री 350 सीट आ रही है, 50 विधानसभा और बाकी 300 टिंकर टेंट हाउस। इलेक्शन का नतीजा देख तो लाग रही है कि अखिलेश और मायावती भी बीजेपी ने वोट दियो है। कांग्रेस पचे समाजवादी पार्टी ने डूबने बाद राहुल गांधी ने राष्ट्र पनौती घोषित करेला। बापू कहवे के थाने इंजीनियरिंग करा दी फिर भी तू घर तार ठीक नहीं कर सके, मिस्त्री ने बुलाओ पड़े। तो छोरा पाचे कहवे इंजीनियरिंग कमा ने खवना वास्ते करी, फोकट में चिपकन मरण वास्ते थोड़ी करी। एक जनो इलेक्शन में मैंने किस्मत आजमा रहे थो और भी ने 3 वोट मिलिया और वो अबे सरकार ZPlus3 सुरक्षा मांग रही है। तो सरकार कहवे के थाने 3 वोट मिलिया है और थाने ZPlus3 सुरक्षा किन वास्ते देवा। तो आदमी बोलियो मारे खिलाफ इन शहर में इतना लोग है तो मन्ने तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। आने वाली पीढ़ियो पूछो जवेदा कांग्रेस मुक्त भारत किनी देने। तो हमेशा कंफ्यूजन रहे कि के मोदी रो नाम लेवा के राहुल गांधी रो। भड़क्योड़ी सोनिया कहवे ओ छोरो तो की काम रो, नहीं तो बहु लवे न बहु मत लवे। इतिहास गवाह है साइकिल के ब्रेक हाथ से ही लगते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी ने फोन करे ने कहो काम हो गया साहब, अब मैं बैंको घूमने जाऊ। एक बार इंजीनियरिंग रो फॉर्म भरते हुए चौकीदार ने एक छोरो पूछो गो क्या कॉलेज है। तो चौकीदार कहवे घणी बढ़िया है, मैं भी अटूज इंजीनियरिंग करी हूं। बच्चों कहवे माँ 10 रुपए देना, बार एक गरीब को देना है। तो माँ बार आन देखे और कोई नहीं देवे। तो माँ कहवे कहाँ है गरीब। तो बच्चों कहवे वो देखो दूध के अंदर बेचारा आइसक्रीम बेच रहा है। छोटू तुम्हारे पापा कितने साल के हैं। मोटू कहे जितने का मैं हूँ। कि वो कैसे। तो मोटू कहवे भाई गधे जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन तो वो पापा बने, कोई छोरिया इन वहां से जानबूझ रूट जा रहे क्योंकि धर्मेंद्र 30 साल पहले कहे हो। तो कोई हसीना जब रूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है।